गुड मॉर्निंग एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्क एंड टाइम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड। क्लियर? इट इज आस्क्ड इन वेरियस कंपिटेटिव एग्जामिनेशंस एंड डेवलप्स एन इंपॉर्टेंट एबिलिटी। इट इज नॉट दैट वी डू नॉट नो अबाउट वर्क एंड टाइम। नोबडी हियर who doesn't know about work and time, what is work and what is time. We all are familiar with what is work, what is time, but solving work and time problems mathematically increases our mental ability, so we can learn some facts. Let's try to understand. ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर जो work, कार्य और time, मतलब समय को नहीं जानता है। सभी लोग जानते हैं, परंतु हमें मैथमेटिकल एप्टीट्यूड के तहत हमें अपनी एबिलिटी को इंक्रीज करना है और इसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो यहाँ ये मतलब नहीं है कि हम टाइम और वर्क जानते हैं तो हम क्यों सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन, हमें करना ही पड़ेगा। तो हम पहले एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखते हैं। सपोज करिए ये आप कोई, ये जो है वॉल है, दीवाल है, यहाँ कोई लेबर है, ये इस काम को, ये एक काम है, दीवाल एक काम है, वन वर्क है। वर्क कितना है? वन वर्क है, वन मैन है। इस वर्क को करता है, इस दीवाल को कंप्लीट कर लेता है कितने डे में, हाउ मेनी डेज टू कंप्लीट दिस वर्क? 30 डेज, 30 दिन में ये कंप्लीट कर लेता है। तो हमें ये पता करना है, अगर हम इसी तरह 10 आदमी ले लें, 10 मैन ले लें, तो ये काम जल्दी खत्म होगा कि देर लगेगा। तो पहले हम लोग सोचते थे कि कोई भी चीज अगर 1 रुपए में कोई चीज 50 की मिल रही है, तो हमें 10 चीज़ लेना है तो हमें 500 रुपये देना होगा। ये हमारे पास कॉमन अंडरस्टैंडिंग थी, परंतु यहाँ पर ये बात फेल हो जाती है। भाई जब यहाँ पर सोचो कि एक मैन है, एक आदमी है, एक काम को करने में 30 दिन लेता है, अगर हम 10 आदमी ले लें तो भाई वो काम तो 3 दिन में ही पूरा हो जाएगा ना। वो काम 3 दिन, क्योंकि एक आदमी 30 दिन लें तो 10 आदमी, 10 आदमी कितने दिन में पूरा करेंगे? कम दिन में पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई एक आदमी है वो 30 दिन में पूरा करता है, तो 10 आदमी तो कम समय लेंगे कि ज़्यादा समय लेंगे? कम समय लेंगे, क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? तो भाई कम कब होगा? जब डिवाइड करेंगे और इंटू कर देंगे तो क्या बढ़ जाएगा? तो हमें यह कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जैसे मैंस की पावर अगर हम इंक्रीज करेंगे, मतलब नंबर ऑफ मैंस को हम इंक्रीज करते हैं, तो वर्क ऑफ टाइम, टाइम जो है हमेशा डिक्रीज होगा। क्लियर? यह बेसिक रूल है। इसका मीनिंग है मैन जो है हमेशा टाइम के रेसिप्रोकल होता है, इसको हम व्युत्क्रम कहते हैं। क्लियर? इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? मतलब यहाँ पर मैंस का मतलब है इसकी क्षमता को बढ़ा देना। एक काम कर रहे हैं उसकी क्षमता कम है, उसी तरह 10 आदमी मिल जाएंगे तो उसकी क्षमता बढ़ जाएगी। जब क्षमता बढ़ जाएगी तो क्या होगा? जब क्षमता बढ़ जाएगी तो कार्य समय कम लगेगा, मतलब हमेशा जो इफिशियंसी होती है, हमेशा जो दक्षता होती है, वो हमेशा टाइम के इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है। ये बात है कि मतलब टाइम दिया है, अगर हम उसको पलट दें तो हमें क्या निकल जाएगा? उसकी किसी व्यक्ति की कैपेसिटी निकल आएगी। इफिशियंसी मतलब कैपेसिटी। और ये कोई जरूरी नहीं है कि कैपेसिटी इस आदमी की हो, महिला की हो सकती है, फीमेल की हो सकती है, बॉय की हो सकती है, कोई भी हो सकता है। क्लियर? ये नहीं कि हम मैन लिए हैं तो मैन के लिए हो, कोई भी मनुष्य है उसके लिए ये फैसिलिटी हो जाएगी।
यही बात हम लोग को, अगर यह बात इतनी समझ में आती है तो कोई भी क्वेश्चन बचे गए नहीं सॉल्व करने के लिए। क्लियर। अब हम ये देखते हैं कि एप्लीकेशन पे ये सोचते हैं कि ये क्वेश्चन क्या है। यहाँ ए एंड बी, इफ ए एंड बी इंडिविजुअली कैन कंप्लीट अ पार्ट ऑफ वर्क, कोई काम है उसको जो है वो कंप्लीट करते हैं कितने दिन में, 15 and 30 days में। मतलब ए कोई व्यक्ति है वो जो है 15 days में, और बी कोई व्यक्ति है वो, यहाँ वर्क कितना है, एक है, एक काम को वो 15 दिन में, और जो है 30 days में कंप्लीट करते हैं। कितने काम को, एक काम को करते हैं, कितने काम को करते हैं, एक काम को करते हैं। बात समझ में, ये क्वेश्चन कह रहा है। देन हमें ये निकालना है कि दोनों दोनों जो है इस एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं। क्लियर, यही बात हमें निकालनी है, कितने दिन में पूरा करते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो बहुत सारे तरीके हैं, हम कैसे सोच सकते हैं, जैसे हम सोचेंगे वैसे हम निकाल सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर, हम एक अगर हम रटी रटाई बातें रख दें तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपल बात है। हम यहाँ पर 15 into 30 लें भाई, ये कर देना, और 15 + 30 कर दें तो आंसर आ जाएगा। अब ये आंसर है तो इंटू करोगे, तो अगर कॉमन सेंस है तो लगा दो, 15 × 1 = 15, 15 × 2 = 30, 30/3 हुआ, दैट मीन्स 10 days आ गया, आंसर हो गया यहाँ पर। यह एक तरीका हुआ। क्या हम इसी तरीके से कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है? बिल्कुल है, चलो देखते हैं, समझने के लिए और तरीका देखते हैं। हमने कहा कि एक कोई व्यक्ति है वो एक काम को 15 दिन में करता है, और बी कोई व्यक्ति वही काम सेम वर्क को वो जो है 30 दिन लेता है करने में। क्लियर। अगर हम मान लें उनके पास 60 काम है, मतलब 60 उसके पास मान लो 30 बॉक्स है कंप्लीट करने के लिए, 30 बॉक्स है, तो पर डे पहला वाला व्यक्ति ए कितना उस बॉक्स को कंप्लीट करता है, 2 बॉक्स को कंप्लीट करेगा तभी वो 30 बॉक्स को कंप्लीट कर लेगा 15 दिन में, 15 × 30, मतलब उसको पर डे 2 बॉक्स कंप्लीट करने होंगे, और 30 जिस जो बी है वो 30 days में करता है, मतलब पर डे वो 1 बॉक्स को कंप्लीट करता है। समझ में आया, पर डे वो कितना करता है, 1 बॉक्स को कंप्लीट करता है। अब ये सोचो ये 30 कैसे आ गया, हमने इसमें से बिग नंबर ले लिया, मोस्टली बिग नंबर उसका एलसीएम होता है जो मल्टीपल होता है, हम आपको एलसीएम उस बात को बताएंगे, तो 15 और 30 का एलसीएम निकाल लो, फिर जो आता है वही लिख लिया जाएगा। हमने ये निकाल लिया 15 और 30 का एलसीएम, 5 × 6 = 30, 5 × 3 = 15, 15 × 2 = 30, 30 हो गया। अब हमें इसकी क्षमता निकालना है, क्योंकि काम है आपके पास मान लो 30 बॉक्स का काम है, ये 30 बॉक्स का वर्क है, ये वर्क है, ये टोटल वर्क है मैंने मान लिया है, ठीक है, टोटल वर्क है, टोटल काम है वो 30 बॉक्स का बनाना है, मतलब यहाँ पर आपके पास 30 बॉक्स पड़े हुए हैं। क्लियर। पाँच 5 × 10 = 15, 5 × 20। क्लियर। अब पर डे वो 2, और मतलब यहाँ पर अगर इसमें 5 बॉक्स हैं तो 2 तो बॉक्स पहले वाले के द्वारा, और 1 बॉक्स किसके द्वारा, इसके बी के द्वारा, तो कुल मिला के 3 बॉक्स पर डे बनता है ना, 3 बॉक्स पर डे बनता है। आपको बनाना है 30 बॉक्स, तो कितने दिन में पूरा कर लोगे, अगर तीन बॉक्स को 1 दिन में कंप्लीट करते हो तो बताओ 30 बॉक्स को कितने दिन में कंप्लीट करोगे। बहुत सिंपल बात है,
तीन में 10 का गुणा कर दो, 30 में भी 10 का गुणा कर दो, 10 दिन में लगेंगे कंप्लीट करने, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर? तो हम यहीं पर यह भी देख लेते हैं कि भाई तीन हुआ, दो एक तीन, दोनों मिलकर के, मतलब दोनों जो मिल जाएंगे तो तीन दिन में ये तीन बॉक्स है, मतलब तीन काम कितने दिन में कर रहे हैं, एक दिन में कर रहे हैं एक नहीं कर रहे हैं। तो हमें 30 काम निकालना है, तो 30 काम के लिए कितने दिन में करेंगे, 10 दिन में, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर? क्या हम इसी तरह ही सोच सकते हैं? और भी एक मेथड है सोचने का, किसी भी तरीके से सोचा जाए। जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन कि एक कोई व्यक्ति है, वो एक काम को 15 दिन में करता है, अब भी कोई व्यक्ति है उसी काम को वो 30 दिन में करता है। बहुत सिंपल बात है। अब हम इसी चीज़ को दूसरी तरीके सोचते हैं। अगर वही व्यक्ति एक दिन में कितना काम करता है, एक दिन में भाई काम करेगा तो 15 से भाग कर दिए। क्लियर? एक दिन में कम करेगा तो 15 से भाग कर दिए, मतलब उस काम का 1/15 हिस्सा ही तो कर पाएगा कि उससे ज्यादा कर पाएगा, वही तो कर पाएगा ना। और भी वही एक दिन में वो 1/30 हिस्सा ही कर पाएगा। तो बताओ दोनों मिल जाएं तो एक दिन में कितना हिस्सा काम कर पाएंगे भाई? दोनों एक दिन में ये इतना हिस्सा, इतने दोनों मिला दो, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? अब यहां पर हर देखो 30 है, यहां पर 15 है, हर समान करने के लिए 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा? 2 × 1 = 2 और यहां पर 50, 2/15 2/30 हो जाएगा, और यहां प्लस 1/30 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये 3/30 और 3/30 को 1/10 लेते हैं, मतलब एक दिन में काम करेगा तो दोनों मिलकर के 1/10 हिस्सा काम करेंगे। एक दिन में कितना हिस्सा काम करते हैं? 1/10 भाग काम करते हैं, एक काम का 10वां भाग करते हैं। तो एक काम करने में कितना लगेगा, इस 10 को इधर पहुंचा दो, एक काम को करने में 10 दिन लगेगा। ये भी एक तरीका है सेम क्वेश्चन को हल करने के। सेम क्वेश्चन को हल करने के मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। चलो हम एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी बात पे। यहां पर नैना एंड कल्पना वर्किंग टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, मतलब दोनों मिल करके वो 10 दिन में काम कर लेती हैं। और व्हाइल नैना एलोन, और नैना अकेले उसको कैन डू इट इन 12 डेज में कंप्लीट करती हैं। दैट मीन्स 12 डेज टू कंप्लीट टेड बाई नैना और कल्पना एक साथ काम करके 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, जबकि अकेले नैना 12 दिनों में करती है। तो इसको अगर शॉर्टकट लगाएं तो क्या लगाएंगे भाई? जब नैना और कल्पना दोनों जब मिल जाती हैं, जब दोनों मिल जाती हैं तो एक काम को वो कितने दिन में कर लेते हैं? 10 दिन में, ठीक है। और जब केवल नैना उसी काम को कितने दिन में पूरा करती है? 12 दिन में। हमें कल्पना का निकालना है। कल्पना का एक काम कितने दिन में कंप्लीट करती है निकालना है। तो हमने वो जो फार्मूला पढ़ा था कि मान लो वो 100 दिन में कंप्लीट करती हैं, तो हमने वो फार्मूला लगा दो, या तो एक पहले वो फार्मूला निकालें, मान लो वो एक के ही मान लो। क्लियर? तो नैना कितने दिन में करती है? 12, और इनटू कल्पना का नहीं मालूम, मैं मान लो के है, तो यहाँ पर क्या लिख दो? 12 + k = 10 दिन आ गया। क्लियर? अब इनको सॉल्व कर लो, तो 12k इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, देन 120 + 10k
देन 12k माइनस 10k दैट मीन्स 2k 120, देन k विल बी 60, k का मान कितना आएगा 60 डेज आएगा, 60 दिन में k कंप्लीट करेगी। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका का सोचने का, दूसरा तरीका सिंपल है, उसी बात को हम ऐसे सोच लेते हैं। पहले देख लेते हैं नैना और कल्पना क्या दिया गया था। नैना और कल्पना के एक काम करने जब करती है तो 10 दिन में कंप्लीट कर पाती हैं, 10 दिन में दोनों मिलकर के, ठीक है। और फिर नैना जो है उसी काम को, उसी एक काम को वो जो है 12 दिन में कंप्लीट करती हैं। हमें कल्पना का निकालना है तो बहुत सिंपल है, हमने यहाँ पर लिख दिया 12 × 10 अपान, सबट्रैक्ट कर दिया तो उसका चला गया, किसका बच जाएगा, केवल कल्पना का, तो 120 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 60 डेज, यही आपका आंसर हो जाएगा। केवल मैंने सोचने के पैटर्न को बदल दिया, क्योंकि जब जैसे हमने फार्मूला याद किया था प्लस का, तो इसके मतलब वो जब 2 का ही पहले दे दिए हैं और 1 का अलग से दे दिए हैं, तो अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो जो मैन बचा हुआ है, जो ह्यूमन बीइंग बचा हुआ है, वो क्या होगा, उसका आंसर फाइंड आउट हो जाएगा। क्लियर, क्या यही मेथड है? नहीं, और भी मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नैना है और कल्पना एक काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में, तो बताओ एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/10, दोनों मिलके काम करेंगे। चलो नैना क्या काम करता है, नैना काम करती है एक काम को, वो नैना टेक्स टू कंप्लीट हिज हर वर्क इन 12 डेज, देन इन 1 डेज व्हाट वर्क विल बी 1/12, क्लियर। एक दिन में 1/12 हिस्सा, 1/10 करेगी, तो दो। अब कल्पना का निकालना है, हमें पता नहीं, मान लो कल्पना का एक वर्क करती है वो 100 दिन लेती है, तो एक दिन करने, एक दिन में कितना लेगी, 1/100 लेगी। अब ले सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, 1/10 दोनों का हो जाता है, तो दोनों को ऐड कर दो, 1/12 प्लस 1/100, क्लियर। अब 1/100 का मान निकालना है, वेरिएबल को एक तरफ, बाकी सबको दूसरी तरफ, 1/10 माइनस 1/12, 10 या 12 का एलसीएम ले लो, नहीं तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, क्लियर। 12 माइनस 10, 12 × 10, यहाँ 2, यहाँ 12 × 10, 2×5 = 10, मतलब 12 × 5, 1/60, यही आपका आंसर हुआ। क्लियर, यही आपका आंसर हुआ। सो वी हैव लर्न मैनी मेथड्स टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन, एंड माई एम वॉज ओनली टू इंट्रोड्यूस द वर्क एंड टाइम, व्हाट इज वर्क एंड व्हाट इज टाइम, हाउ कैन आई मैनिपुलेट द थिंग्स टू क्लियर एंड टू ग्रास्प मोर पॉइंट्स। हम आशा करते हैं कि आप लोग को यह बात बहुत अच्छी तरीके समझ में आ गई होगी। अगर आपको कुछ इसमें कोई दिक्कत लगती है तो आप हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, क्लियर। एंड आई विल ट्राई टू प्रोवाइड
the solution of your question. So we will meet you with the next and upcoming questions. We will solve this question in next video. Thank you for this.